तो कल्चरल रैल्टिज़म के अंदर जो दूसरे कल्चर होते हैं उनको भी अहमियत देते हैं ये नहीं है कि सिर्फ अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टैंडर्ड्स से जो है हम दूसरों के कल्चर्स को ऑब्ज़र्व करें या उनको जज करें तो कल्चरल रैलीटिज़म जो है वो हमें एक रैलीटिव पैमाना प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम दूसरों के कल्चर को देख सकते हैं और उनके बिलीव्स उनके वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं एट द सेम टाइम द कॉन्सैप्टर शॉक इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसंटेशन एक्सपीरियंस बाई पीपल हु कमिंग टू कॉन्टेक्ट विद अ कल्चर डिफरेंट फ्राम देयर ऑन कल्चर तो बज दफ़ा ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नई होती हैं दूसरे कल्चर्स के अंदर वो नॉर्मेटिव होती हैं प्रेवलेंट होती हैं उनके लिए नॉर्मल होती हैं तो हमें उसके हवाले से एक कल्चर शॉक लगता है इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनमिनल साइकोलॉजिकल ऑरिएशन कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अस बट अदर पीपल आर प्रैक्टिसिंग इट तो हमारे लिए जो है वो शॉकिंग होती है सो फैक्टर्स दैट कॉज द कल्चर शॉक आर लैंग्वेज बैरियर डिफरेंट नॉम्स एंड वैल्यूज़ फूड लाइफ स्टाइल स्टाइल बहुत से कल्चर्स uh, के अंदर उनके लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं उनके डिफरेंसेस जो हैं नॉर्म्स और वैल्यूज़ के उनको अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं उनका फूड पैटर्न uh, जो है क्यूजीन uh, जो है वो बाज़ात हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज होता है शायद हमारे लिए डिस्कस्टिंग भी हो डिटेस्टिंग हो लेकिन उनके लिए जो है वो नॉर्मल होता है तो इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कल्चर शॉक जो है ये एक साइकोलॉजिकल फिनमिनन है इट्स अ साइकोलॉजिकल और व्हेन वी सी दैट समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अस दैट हैपन्स टू अस फॉर्म ऑफ कल्चर शौक द एग्ज़ाम्पल ऑफ कल्चर शौक इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स वी कैन सेट स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड जब बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर के ममालिक में जाते हैं तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें जैसे उनका ड्रेस कोड है ड्रेसिंग पैटर्न है उनका लाइफ स्टाइल है उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो कम्यूनिकेशन पैटर्न है यह सारी चीज़ें उनके लिए शुरू में शॉकिंग होती हैं बबाई द पैसेज ऑफ टाइम दे दे गेट इन टू दैट और उसकी वजह से वो उनके लिए नॉर्मल हो जाती हैं gets इट गेट्स uh, gets गेट्स टू द पॉइंट वेयर दे get into दैट कल्चर शॉक सिमिलरली tourists जो पाकिस्तान विज़िट करते हैं उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर शॉकिंग हो सकती हैं हमारा ड्रेसिंग पैटर्न शॉकिंग हो सकता है हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न शॉकिंग हो सकते हैं जिस तरह से हम पर्टिकुलरली ग्रुप लाइफ में बिहेव करते हैं वो उनके लिए शॉकिंग हो सकता है एंड सिमिलरली एक्सपैट्रिएट्स लिविंग इन पाकिस्तान जब ओ, कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान से बाहर रह के आते हैं और वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं वो शॉकिंग हो सकती हैं इसके इफेक्ट जो हैं कल्चर शॉक के वो फीलिंग ऑफ एंजाइटी हो सकता है होम सिकनेस है डिसोरेंटेशन uh, है और बात डिप्रेशन भी होता है सो स्ट्रैटीज़ टू ओवरकम द कल्चर शौक इंक्लूड द To building a support system, staying open-minded, and maintaining the positive attitude and learning about while learning about the new culture. It's not that you should be fixed about your own culture. up uh, your beliefs, your opinions, your values hain, that you consider superior might not be the case when you are in contact with the other cultures.